लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महारथी 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 कर्ण, क्यों नहीं, अवश्य। तुम्हारा कुंती के साथ रहना अत्यंत आवश्यक है धात्री। कुंती, कल प्रातःकाल तुम अपनी माताश्री से मिलने मथुरा जाओगी। पिताश्री, धात्री भी तुम्हारे साथ जाएगी। जो आके पिताश्री। कुंती, व्यर्थ की चिंताओं को मन से निकाल दो। मथुरा पहुंचने पर सब ठीक हो जाएगा कुंती, सच। धात्री, मुझे क्या हो गया है? धात्री, मुझे क्या हो गया है? देवभूति मंत्र मन में लहरों के समान उठ रहा है। सब कुछ असामान्य सा लग रहा है। बताओ मैं क्या करूं धात्री, बताओ। मैं तो समझती थी कि भोजपुर से निकलने के पश्चात तुम्हें अवश्य शांति मिलेगी कुंती। नहीं धात्री, अशांति तो मन में होती है। स्थान बदलने से शांति कैसे मिल सकती है? कुंती, तुम उस मंत्र के विषय में सोचना ही छोड़ दो। तुम अपनी उस ममतामयी माँ के बारे में सोचो जिससे तुम मिलने जा रही हो। सोचो कुंती, सोचो, वो तुमसे मिलकर कितनी प्रसन्न होंगी। हाँ धात्री, माता की आंचल की छाया में तो समस्त संसार का सुख होता है, परंतु मेरी माता ने तो क्या किया? माता ने मुझे दत्तक दे दिया। क्या कोई माता अपने शरीर का अंश दान कर सकती है? बताओ धात्री। आयुष्मती भव। पिताश्री, प्रणाम। आयुष्मती भव, कैसी है तू? क्या तू हमें भूल गई पुत्री? माँ, मैं क्या इतनी कृतज्ञ हूँ कि अपने जन्म देने वाले माता पिता को भुला दूंगी? आप दोनों मेरे मन में बसे हैं। पुत्री, हमने सुना है कि महर्षि ने तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो देवहूति मंत्र वरदान स्वरूप प्रदान किया है। जी पिताश्री, किंतु पिताश्री, मंत्र प्राप्ति के पश्चात मन में विचित्र अनुभूतियां उत्पन्न हो रही हैं। विचित्र अनुभूतियां? किंतु महर्षि का मंत्र तो सदैव मंगलकारी होता है पुत्री। कभी कभी ये तंत्र मंत्र उल्टे भी हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप व्यर्थ चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। राजकुमारी, अब तुम थक गई हो, थोड़ा विश्राम कर लो। चलो। हाँ, मैं चलो। तो भूल ही गई थी। चलो।
माता श्री आप तुम जाग रही थी धात्री? हाँ माता श्री, जब कुंती व्यग्र हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आई थी। ये उद्विग्नता व्यग्रता एकाएक कुंती के जीवन में कहाँ से आ गई? सच सच बताना धात्री, गुपचुप कहीं कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा है? नहीं माता श्री, कुंती के विषय में इस प्रकार न सोचें। उसका चरित्र आपके राज परिवार के समान ही उच्च है, परंतु जब से दुर्वासा ऋषि ने उसे देवहूति मंत्र प्रदान किया है, उसके मन की शांति ही चली गई है। नहीं चाहिए हमें ये मंत्र। हम दुर्वासा ऋषि को ढूंढ निकालेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे ये मंत्र लौटा ले। सुना है मंत्रों से सुख मिलता है, चमत्कार होते हैं, परंतु ये मंत्र तो मेरे पुत्र के दुख का कारण बन गया है। इसीलिए कुंती ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, परंतु परंतु क्या भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी क्या? यदि भगवान ऐसे सबकी प्रार्थना सुनने लगे तो फिर संसार में कोई दुखी क्यों रहे? मैं तो मूर्ख हूं माता श्री, धर्म कर्म के बारे में अधिक नहीं जानती, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि मनुष्य को अपने पिछले कर्म का ऋण इसी जन्म में चुकाना होता है। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को जब से अपनी सेवा में रखने का हट किया, तभी मुझे लगा कुछ न कुछ होने वाला है, और वही हुआ। धात्री अब चिंता की कोई बात नहीं, मेरी कुंती बुद्धिमती है, वो परिस्थिति को समझेगी और इस मंत्र की चिंता से अपने को मुक्त कर लेगी। मैं एक बार फिर उसे समझाऊंगी। हाँ माता श्री, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके पास रहकर कुंती को अवश्य शांति मिलेगी। माता के आंचल से बढ़कर शांति देने वाला इस संसार में कुछ नहीं होता। अब तुम निश्चिंत होकर सो जा, मुझसे अधिक कुंती की चिंता तो तुझे है। आपके उधर से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ माता श्री? मैंने कुंती को सदा अपनी अनुजा समझा है, हर सुख दुख में हम दोनों साथ निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे।
कुंती, प्रति सूर्य कल्पना नहीं सत्य है, और इस सत्य को साकार करने की दिव्य शक्ति तुम्हारे पास है, केवल तुम्हारे पास। मेरे पास? परंतु हम तुम्हारे आह्वान के अधीन हैं। सूर्यदेव, किंतु कुंती, अपनी इच्छा और कामना का दमन निंदनीय है। कैसी इच्छा, कैसी कामना? मेरी कोई इच्छा नहीं है। प्रकाश पुत्र की कामना, एक ऐसी संतान की इच्छा जिसकी पराक्रम कथाएं कीर्ति गीत बनकर संपूर्ण पृथ्वी लोक में गुंजित हो, जिसे पाकर तुम आत्म गौरव की सुखद अनुभूति कर सको। किंतु ये कैसे संभव है? देवहूति मंत्र से निसंकोच इच्छित देव का आह्वान करो। आह्वान करो कुंती। प्रदत्त देवहूति मंत्र योग से सूर्य देव प्रकट हो। ओम शिवाय नमः। शिव प्रदत्त देवहूति मंत्र योग से सूर्य देव प्रकट हो। ओम शिवाय नमः। शिव प्रदत्त देवहूति मंत्र योग से सूर्य देव प्रकट हो। शिव प्रदत्त देवहूति मंत्र योग से सूर्य देव प्रकट हो। ओम शिवाय नमः। ओम ओम शिवाय नमः। ओम शंभवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। शिव प्रदत्त देवहूति मंत्र योग से सूर्यदेव प्रकट हो। ओम शिवाय नमः। ओम शंभवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। शिव प्रदत्त देवहूति मंत्र योग से सूर्यदेव प्रकट हो। ओम शिवाय नमः। ओम शंभवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। कुंती, तुम्हारा आह्वान पूर्ण हुआ। तुम्हारी प्रतिसूर्य प्राप्त करने की कामना पूर्ण करने के लिए मैं सूर्यदेव प्रस्तुत हूं। नहीं प्रभु, मैंने तो केवल अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा के लिए आपको कष्ट दिया। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। अकारण क्षमा याचना ना करो कुंती। पुत्र प्राप्त के लिए तुमने हमारा आह्वान किया है, इसलिए हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। किंतु प्रभु, एक अविवाहिता
पुत्र प्राप्ति की कामना कैसे कर सकती है? क्या क्या ये सामाजिक नियमों की अवहेलना नहीं होगी? माता बनना ही नारी जीवन की पूर्णता है, यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। विवाह तो मात्र रूप ग्रहण करने के लिए निमित्त मात्र है कुंती। प्रभु मैं कुछ समझी नहीं। परंतु मैं तुम्हारी उत्सुकता और जिज्ञासा समझ रहा हूं। व्यर्थ विचार ना करो, निर्द्वंद होकर हमारा तेज स्वीकार करो, तुम्हारी सारी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। किंतु प्रभु यदि मैं ऐसा ना करूं तो? तो तुम्हारे मंत्र की शक्ति निरर्थक हो जाएगी और ये विधि के विधान के विरुद्ध होगा, और इसका परिणाम क्या होगा ये तुम भलीभांति जानती हो। प्रभु परिणाम से मुझे भय लगता है। इस भय से मुक्ति का एक ही मार्ग है कुंती, शांत और निश्चल मन से हमारा तेज स्वीकार करो। आओ कुंती हमारे पास आओ।